स्टैंडर्ड 7 के लिए फ्रैक्शन के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले हो चुका है, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है। उसमें आपको मैच द फॉलोइंग सबसे पहला आएगा होमवर्क में, मैच द फॉलोइंग। उसमें सबसे पहला सवाल है आपको 2 × 1/3, और इधर फोटोग्राफ्स होंगे, बहुत सारे फोटोग्राफ्स होंगे। देखिए इसका एक फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, इसको सॉल्व कर लेना है। 2 × 2 × 2/3 आ रहा है इसका रिजल्ट। और इधर आपके पास ये देखिए इसका आंसर ही हम दिखा रहे हैं आपको, ये शेडेड है, शेडेड है तो 1/3 इसका वैल्यू आ रहा है। और एक और शेड है तो इसका वैल्यू भी 1/3 आ रहा है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 3 और 3 एलसीएम हमका मेरा 3 आ रहा है और 1 + 1 हो जाएंगे, क्योंकि एलसीएम आप लेना जानते हैं। ये 2/3 इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं, इस फ्रैक्शन से इसका, इस पिक्चर से इसका रिलेशन है। तो पिक्चर हम मिला देंगे, इस तरह से आपको पिक्चर वाला मिलेगा होमवर्क। तो इसको पिक्चर वाले होमवर्क में इसको बना देना है। सेकेंड नंबर में हम लोग चलते हैं, वैल्यू निकालना है। सेकेंड नंबर में आपको फाइंड करना है यानी वैल्यू निकालना है। सबसे पहला सवाल है 8/3 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। 8 × 4 तो 32/3 हो जाएंगे। और इसको क्या करेंगे हम लोग, 32 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 × 1 = 3 हो जाते हैं, माइनस करेंगे तो 0 हो गया। यहाँ से 2 लाते हैं, जब हमारा डिवाइड नहीं होता तो 1 0 डालते हैं। तो यहाँ पर हमको मिक्स नंबर पे लाना है, तो ये हमारा जो रिमाइंडर बच गया ये ऊपर चला जाता है और ये डिवाइजर हमारा नीचे चला आता है, तो ये 10/2/3 आंसर हो जाते हैं। तो ये आपके वैल्यू आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें और भी सारे सवाल होंगे, वो होमवर्क में आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड 1/2 ऑफ, सवाल है आपको फाइंड 1/2 ऑफ। बहुत सारे सवाल है। अब इसका पहला सवाल है कि 48, दूसरा सवाल इसी के साथ आएगा 36। दैट मींस क्या, दो सवाल हम इसलिए दे रहे हैं कि 1/2 से रिलेटेड करके इसका वैल्यू करना था ए में। तो 48 ऑफ ये हो जाएगा 1/2, तो 48 × 1/2। अब 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 24 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 36 में भी क्या करेंगे, लिखेंगे 36 ऑफ 1/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 36 × 1/2 और ये 18 × 36 होते हैं और ये आपके पास 18 आंसर आ जाएंगे। इस तरह से आप इसका वैल्यू निकालेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग काफी बना है आर एस अग्रवाल में इस सवाल को। आगे हम लोग बढ़ेंगे और सवाल है आपके पास इसी तरह से 4 में आएगा, फाइंड 4/5 ऑफ, तो आप लोग बना लेना है। 5 नंबर में आपको आ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड करना है, ये भी आप स्टैंडर्ड 6 में बनाए हैं, तो 7 में भी कुछ खास नहीं है स्टार्टिंग चैप्टर में। तो ऑफ एन आवर मतलब एक घंटे की बात कर रहा है। अब आपको पता है, वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि 1 hour = 60 minutes होते हैं। राइट नाउ लेट्स गो 1/4 of 60 minutes, ओके ना, 1/4 × 60, 15 × 4 = 15, 1 = 15, ये 15 मिनट ये आपके आंसर हो जाते हैं। 1/4 of 10 hours का 15 मिनट आंसर आ जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1/4 of 1 कर डालते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हमारा प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि ये नहीं होता है। आगे हम लोग चलेंगे मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस फॉलोइंग ए मिक्स फ्रैक्शन में आपको एक्सप्रेस करना है, जैसा 6 नंबर में। बहुत ही सिंपल सा वे है, सिंपल सा तरीका है, आप देखें और बनाएं। आपको 6 नंबर में 4 × 8/1/8 आ रहा है, ये क्या आएगा 4 × 8 = 64 + 1 = 65/8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8,
ये आपके पास क्या आ रहा है 65/2 आएंगे। अब 65 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, आपको 6 हो जाएंगे, ये 5 आएगा, 2 बार में आपको 4 आएंगे और ये 1 रिमाइंडर जैसे ही होगा 1 ऊपर करेंगे और ये आपको नीचे हो जाएगा 32/1/2 लिख सकते हैं। डेसिमल में भी आंसर ला सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 6 नंबर में। कंपेयर करना है 7 नंबर में, कंपेयर करना है 7 नंबर में, तो कंपेयर हम लोग करते हैं, कंपेयर करना है ग्रेटर देन स्मॉल देन और इक्वल टू में। ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहला सवाल है 2/7/8, अब यहां पर बॉक्स बने हुए हैं, और 4/5/8, तो यहां पर क्या आ रहा है कि हम दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 × 7/8 यहां पर बॉक्स बनाइए और 4 × 5/8 कीजिए। अब सॉल्व करना है 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये वैल्यू आ रहा है 7/4। अब उधर देख लेते हैं क्या आ रहा है, 4 × 4 = 4 और 4 × 2 = 8, तो 5 × 5, अब 5/2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखना है हमको कि कौन बड़ा है या छोटा है, तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, तो 7 × 2 क्या होता है 18, यहाँ पे लिखना है 4 × 5 = 20, यहाँ पे लिखना है। अब देखिए ये 20 वाला जो आपका फ्रैक्शन बन रहा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये बड़े हैं। इस तरह से आप लोग कंपेयर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से एक आध दो आपके पास लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे और उसको बनाएंगे, और कहीं दिक्कत होगी तो फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।